बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर साहब? उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करेंगे काले चनों के चावल, जिसके लिए हाफ कप ऑयल लिया, दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलायची ऐड करेंगे। साथ ही वन टीस्पून जीरा, साबुत जीरा लेंगे। इसमें प्याज शामिल करेंगे। बाद साथ हम चने काले बनाते हैं और वह बच जाते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं और फ्रेश चने भी ले सकते हैं। मैं बचे हुए चने के चावल बना रही हूँ, तो लाइट सा कलर देंगे। आधा किलो चावल बना रहे हैं। प्याज को हम डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस लाइट सा कलर रखेंगे। वीडियो देखने के साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। लाइट सा प्याज फ्राई हो गया, अब इसमें टमाटर शामिल करेंगे, दो अदद सब मिर्च ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी का छींटा लगाया ताकि टमाटर गल जाए। देखिए टमाटरों का अच्छा सा पेस्ट बीच में बन गया। अब इसमें चने शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे हसबे जायका, काली मिर्च शामिल करेंगे 1 टीस्पून, अचार शामिल करेंगे टेस्ट बढ़ाने के लिए हम, अचार शामिल कर दिया तो फिर इसको हम अचारी चने भी कह सकते हैं। अब इसमें पानी शामिल करेंगे, मैंने चावलों में अचार शामिल किया जो कि हमारा होममेड है, घर में बनाया हुआ। पानी पकने पे चावल शामिल करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल करेंगे। आप जब भी पुलाव या चावल बनाएं गरम मसाला एंड पे डालें तो उसकी खुशबू ज़्यादा आती है। हरा धनिया और कटा हुआ पुदीना शामिल करेंगे। अब चावलों को 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। 15 मिनट बाद चावल हमारे रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह सुपर पके हैं चावल, सुपर। अल्लाह हाफिज़।